हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिपिड कंटेनिंग ड्रग का लास्ट पार्ट मींस पार्ट 4, जिसमें हम आपको बताएंगे कैस्ट्रोल के बारे में डिटेल में। इससे पहले पार्ट्स में हमने आपको बताया था बीस्वैक्स, वुलफेट और चोलमुग्रोल के बारे में अकॉर्डिंग टू पीसीए सिलेबस ऑफ बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इस ऑयल को इरंडिको ऑयल भी बोला जाता है या रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है, इसको कौन से प्लांट से हमको ऑप्टेन करते हैं, किस तरीके से। तो बायोलॉजिकल सोर्स कैस्ट्रोल क्या होता है, किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, फिक्स्ड ऑयल की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, किस तरीके से ऑप्टेन होता है, इट इज ऑप्टेन बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ द सीड्स ऑफ प्लांट रिसिनस कम्युनिस विच बिलोंग्स टू द फैमिली U4BAC। मीन्स जो प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम रिसिनस कम्युनिस, इसकी फैमिली होती है U4BAC, उसका जो सीड होता है उस सीड का क्या किया जाता है, उस सीड को कोल्ड कंप्रेशन किया जाता है। कोल्ड कंप्रेशन जैसे कि नाम है, इसमें हम हीट अप्लाई नहीं करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, सीड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से। और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, उसके अंदर जो ऑयल होता है वो अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हम उस सीड में जो प्रेजेंट ऑयल होता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं बाय द कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैस्टर ऑयल। अब कलर क्या होता है कैस्टर ऑयल का, तो पेल येलो से कलरलेस होता है। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इसका स्लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर होता है इस कैस्टर ऑयल का। और टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट इट इज ब्लैंड मतलब कि फीका टेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है ये स्लाइटली एक्रिड हो जाता है, मतलब कि अनप्लेजेंट बिटर टेस्ट टाइप का होता है ये कैस्टर ऑयल का टेस्ट। और यूजुअली क्या होता है, ये नॉसिएटिंग होता है। नॉसिएटिंग मतलब कि जब इसको हम टेस्ट करते हैं तो यू जस्ट फील लाइक वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो ये नॉसिएटिंग इसी को बोलते हैं हम, नॉसिएटिंग टेस्ट। और इसके बाद विस्कस होता है कैस्टर ऑयल जो है, और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है इस कैस्टर ऑयल, जैसे कि फिक्स्ड ऑयल है तो ये वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, बट इसकी सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में, सॉल्वेंट ईथर, ग्लैसियल एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है कैस्टर ऑयल की। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं व्हाट आर द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट इन द कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल क्योंकि ये फिक्स्ड ऑयल है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड। यही इसका क्या है, यही इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। लगभग ये 80% प्रेजेंट होता है कैस्टर ऑयल में, ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, या इसको कह सकते हैं ट्राइग्लिसिनोलिन कहा जाता है। ये ट्राइग्लिसिनोलिन क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड है। रिसिनोलिक एसिड जो कि क्या है, जो कि फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स ये ईस्टर्स होते हैं। इसका ईस्टर होता है ईस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, मीन्स 3 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके जो ईस्टर बनता है उसी को हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है किसका, रिसिनोलिक एसिड का ट्राइग्लिसराइड्स होता है। मतलब कि रिसिनोलिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, तो 3 रिसिनोलिक एसिड जो है ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होके जो ट्राइग्लिसराइड्स बनता है वो है ट्राइरिसिनोलिन। यही ट्राइग्लिसराइड्स जो है प्रेजेंट होता है एज अ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कैस्टर ऑयल। और इसके अलावा अदर फैटी एसिड्स के भी ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आइसोरिसिनोलिक एसिड, इसका इस फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है, लिनोलिक एसिड, ईस्टरिक एसिड एंड आइसोईस्टरिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब फैटी एसिड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिसिनोलिक एसिड जो है ये टोटल कितने कार्बन के होते हैं, टोटल 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। यहाँ पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके 9th जो कार्बन पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इसका जो 12th कार्बन पे उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। और इसमें मीन्स ये जो रिसिनोलिक एसिड जो होते हैं जो कि कैस्टर ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये फैटी एसिड्स में जो है डबल बॉन्ड के साथ साथ इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है इस कैस्टर ऑयल को फ्रॉम द अदर फिक्स्ड ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है इस कैस्टर ऑयल में हेप्टाल्डिहाइड मींस हेप्टेनॉल भी प्रेजेंट होता है, एंडिकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, सेबेसिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल। और ये जो रिसिनोलिक एसिड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लैक्सेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कैस्टर ऑयल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो जब ये जो कैस्टर ऑयल होता है ये मिक्स हो जाता है विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ लाइट पेट्रोलियम इथर, उसके बाद नेक्स्ट जब इस ऑयल में हम फुल वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल को जब ऐड करते हैं
और जब इसको कूल किया जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस और उसको 3 घंटे स्टोरेज करने के बाद भी ये जो लिक्विड होता है वो क्लियर रहता है। और यही जो है डिस्टिंक्शन फ्रॉम द अदर फिक्स्ड ऑयल, मतलब इसी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस कैस्टर ऑयल को फ्रॉम द अदर फिक्स्ड ऑयल से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल, मीन्स ये कैस्टर ऑयल का क्या इसका मेडिसिनल यूज होता है, कहाँ पे इसको कमर्शियली यूज किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कैस्टर ऑयल है, सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी पर्गेटिव प्रॉपर्टी होती है, मीन्स ये इसमें जो कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है उसका इरिटेंट एक्शन होता है, इसी कारण से ये जो है इसकी स्ट्रॉन्ग लेक्सिटिव या कह सकते हैं ये पर्गेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और इसका जो सेल होता है वो मोर कैथार्टिक एक्शन शो करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिन देन द कैस्टर ऑयल। और ये जो कैस्टर ऑयल है इसको मेडिसिनली बहुत ही कम यूज किया जाता है, less than 1%, बट इसको अदर कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं इस कैस्टर ऑयल को, तो आइए जानते हैं। तो ये जो कैस्टर ऑयल है इसकी इमोलिएंट प्रॉपर्टी होती है, इमोलिएंट प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं जब उसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो वो स्किन को सॉफ्ट करता है, और अगर कोई इरिटेशन हो रहा है तो उसे क्या करता है उससे भी रिलीफ प्रोवाइड करता है, आराम पहुंचाता है, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो उसी को हम इमोलिएंट कहते हैं। तो एज एन इमोलिएंट बेस जो है इस कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक्स हो गए, अदर कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, या हेयर ऑयल में भी इसको यूज किया जाता है, डिफरेंट परफ्यूम हेयर ऑयल में, एज अ हेयर फिक्सर्स में भी इस कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इट इज यूज इन द एबॉर्टिफिकेशन फेज, मतलब ये जो कैस्टर ऑयल है इस कैस्टर ऑयल को हम डिफरेंट जो पेस्ट आते हैं एबॉर्टिफिकेशन मतलब एबॉर्शन के लिए जो पेस्ट आते हैं उसमें इस कैस्टर ऑयल को यूज किया जाता है। रिसिनोलिक एसिड को हम डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स और जेलिस में भी इसको यूज करते हैं, मतलब कि ये जो कैस्टर ऑयल के रिसिनोलिक एसिड को एक्स्ट्रा टॉप किया जाता है और इस रिसिनोलिक एसिड को यूज किया जाता है जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स और जेलिस प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियली इस कैस्टर ऑयल को कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो ये कैस्टर ऑयल, ये हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल और डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है इंडस्ट्रियली फॉर द डिफरेंट पर्पस। तो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम है कैस्टर ऑयल का क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है, मीन्स इसमें हाइड्रोजन गैस पार करके इसको कम्प्लीटली सैचुरेटेड बनाया जाता है। मीन्स जैसा कि हमने आपको बताया था इस कैस्टर ऑयल में मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है, रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मीन्स अनसैचुरेटेड होता है ये। तो क्या किया जाता है, इस कैस्टर ऑयल को सैचुरेटेड बनाया जाता है, मीन्स इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ग्रुप ऐड किया जाता है टू मेक इट कम्प्लीटली सैचुरेटेड, मीन्स उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल बोलते हैं, इसको कैस्टर वैक्स भी बोला जाता है, जिससे क्या होता है सैचुरेशन से क्या होता है ये कैस्टर ऑयल की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज होती है और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है एट द रूम टेम्परेचर, इसी को हम हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल या कैस्टर वैक्स कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है तो यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट, मीन्स बीज वैक्स हो गया या कार्नाबा वैक्स हो गया या स्पर्मिसिटी हो गया। स्पर्मिसिटी क्या होता है, वो फैटी मटेरियल होता है जो कहाँ से ऑप्टेन होता है, ऑप्टेन फ्रॉम द स्पर्म वेल, स्पर्म वेल के जो हेड की कैविटी होती है उससे जो फैटी मटेरियल जो ऑप्टेन होता है उसको हम स्पर्मिसिटी बोलते हैं। तो ये स्पर्मिसिटी हो गया, बीज वैक्स हो गया, कार्नाबा वैक्स हो गया, सो यूज किया जाता है डिफरेंट ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सब्स्टिट्यूट मीन्स इसके बदले में जो है हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल भी यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉलिशेस में भी इसको यूज करते हैं, और नेक्स्ट टाइप डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल। तो इस डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल को इंडस्ट्रियली डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये जो डिहाइड्रेट कैस्टर ऑयल होता क्या है, जैसे कि नाम है कैस्टर ऑयल का डिहाइड्रेशन किया जाता है, मींस वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है बाय डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि हाइड्रोलिसिस करके या डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। मतलब कि इस कैस्टर ऑयल में हमने आपको बताया था रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये OH ग्रुप और साइड के कार्बन के जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और ये इस कैस्टर ऑयल से रिलीज होते हैं और इसी को हम डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल बोलते हैं। मीन्स ये जो कैस्टर ऑयल है ये कैस्टर ऑयल जो कि नॉन ड्राइंग ऑयल होता है और ये डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, मीन्स इसका डिहाइड्रेशन करने के बाद ये डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ड्राइंग ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कैस्टर ऑयल जो है नॉर्मली नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं बट डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल ड्राइंग ऑयल होते हैं। मींस ये जो डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल होता है ये ड्राइंग ऑयल होता है। ड्राइंग ऑयल मतलब क्या हुआ, ड्राइंग ऑयल जैसे कि नाम है ये ड्राई हो जाता है, मींस जब इस डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल को जब सरफेस पे जब अप्लाई किया जाता है तो ये ड्राई हो जाता है या पॉलीमराइज हो जाता है इनटू द थिन फिल्म या प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये क्लियर जैसा बना लेता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ड्राइंग ऑयल बोलते हैं। तो ये जो है डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल की प्रॉपर्टी होती है
और इसी की वजह से इसको यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि लाइनोलियम और अल्काइल रेजिन प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। लाइनोलियम मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो फ्लोर जो कवरिंग्स होते हैं उसको हम लाइनोलियम बोलते हैं, डिफरेंट फ्लोर कोटिंग्स की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अल्काइल रेजिन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, मीन्स डिहाइड्रेटेड कैस्ट्रो ऑयल को डिहाइड्रेटेड कैस्ट्रो फैटी एसिड्स बनाया जाता है, उसे अल्काइल रेजिन प्रिपेयर करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ये अल्काइल प्रिपरेशन या अल्काइल रेजिन को फिर फर्दर यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, उसके बाद इसको यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमर्स एंड द इंक्स। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजनेटेड एंड डिहाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये जो एट्रोपिन और कोकेन है, तो इनका जो प्रिपरेशन बनाया जाता है ऑप्थेल्मिक पर्पस के लिए, तो इसको सस्पेंड किया जाता है इनटू द कैस्टर ऑयल। तो ये हो गया यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। इसके अलावा इस कैस्टर ऑयल को और डिफरेंट पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, तो इसको डिटेल जो है हम इसके नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। और इसके बाद इस कैस्टर ऑयल का प्रिपरेशन मीन्स इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे इसके नेक्स्ट लाइन में। के बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ मेडिसिनल कैस्टर ऑयल। तो इस कैस्टर ऑयल जिस प्लांट से हमको ऑप्टेन होता है, ये इंडिया का नेटिव है और ये लार्जली प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ब्राजील में। और इंडिया में इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस कैस्टर ऑयल का, लगभग थ्रू आउट द कंट्री ये कल्टिवेट किया जाता है, ये ग्रो किया जाता है द गार्डन में, फील्ड्स में, या ये वेस्ट लैंड में भी ये ग्रो होता है, वेस्ट प्लेसेस में। और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका रीजन में। इसके अलावा ये जो कैस्टर के प्लांट्स हैं ये चाइना, रशिया, थाईलैंड, अमेरिका, इसमें भी यहाँ पे भी ये कैस्टर प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये जो कैस्टर सीड से जो हम फिक्स्ड ऑयल कैस्टर ऑयल जो ऑप्टेन करते हैं, तो लगभग इसमें 30-50% जो है इसमें फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है इस कैस्टर सीड में। और ये जो कैस्टर ऑयल है जिसको हम कैस्टर सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो किन मेथड से किया जाता है, कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड या मैकेनिकल प्रेसिंग कह सकते हैं, दूसरा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, या थर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रेसिंग मेथड से किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस कैस्टर ऑयल को फ्रॉम द कैस्टर सीड्स। तो सीड्स को क्या किया जाता है, सीड्स को कलेक्ट करते हैं, ड्राई किया जाता है, उसको ग्रेडिंग की जाती है, और उसको डिफरेंट इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है उसमें तो उसको रिमूव किया जाता है, जैसे कि मेटेलिक पीसेस ऑफ आयरन हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, सैंड है, डर्ट है, ये सबको रिमूव किया जाता है। और इसके बाद सीड्स को हम डिकॉर्टिकेट करते हैं। डिकॉर्टिकेट करना मतलब कि सीड्स का जो आउटर जो कोटिंग है, जो उसका हस्क है, यहाँ पे हल लिखा हुआ है, हल्स मतलब होता है जो हस्क है, जो भूसी है, उसको रिमूव किया जाता है। और इसके बाद जो डिकॉर्टिकेटेड सीड है उसको क्या किया जाता है, उसको हाइड्रोलिक प्रेस में उसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेस किया जाता है उस सीड को, और लगभग 1-2 टन पर स्क्वायर इंच इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जैसे कि नाम है इस मेथड का कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड, मतलब कि हम इसमें हीट अप्लाई नहीं करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके उस सीड के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इस मैकेनिकल प्रेशिंग से लगभग 30-40% ऑफ ऑयल जो है उस सीड में जो प्रेजेंट है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है, और जो रिमेनिंग जो ऑयल जो सीड के में जो रह गया है वो ऑयल उसको हम फर्दर जो है रिकवर करते हैं बाय अप्लाइंग बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, और बाय समटाइम्स बाय हॉट प्रेसिंग मेथड से उसको रिकवर किया जाता है, या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से उस सीड केक में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड अप्लाई करके सॉल्वेंट यूज करके हम उस रिमेनिंग जो ऑयल है उसको रिकवर करते हैं। सॉल्वेंट जैसे कि हेक्सेन, हेप्टेन या सॉल्वेंट ईथर यूटिलाइज किया जाता है। अब उसके बाद जो हमको जो ऑयल ऑप्टेन हुआ है बाय दिस मेथड, उस ऑयल को हम फिल्टर करते हैं, स्टीम किया जाता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस में, ताकि उसमें अंदर जो प्रेजेंट जो लाइपेस एंजाइम वो डिस्ट्रॉय हो सके, क्योंकि ये जो लाइपेस एंजाइम है उस कैस्टर ऑयल का ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम पे उसको हाइड्रोलिसिस कर सकता है, जिससे वो ऑयल जो है जल्दी क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। इसी कारण से उस लाइपेस एंजाइम को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय स्टीमिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस, और उसमें जो प्रेजेंट रिसिन जो टॉक्सिक प्रोटीन होता है उसको भी रिमूव किया जाता है, और उसको अगेन फिल क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। और उसके बाद इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कोल्ड ब्राउन ऑयल बोला जाता है। उसके बाद इस ऑयल को ब्लीच किया जाता है, उसमें जो कलरिंग जो पिगमेंट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए उसको डी एसिडिफाइड किया जाता है, ताकि उसमें जो फ्री फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो डी एसिडिफाई करते हैं उसको हम सोडियम कार्बोनेट से टू रिमूव द फ्री फैटी एसिड्स। उसके बाद
और उसके बाद क्या किया जाता है, इस ऑयल को फिर ट्रीट करते हैं विद द हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें जो भी म्यूसिलेजिनस मैटर है वो रिमूव हो जाए। वो क्या होता है, वो हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है। फिर उसके बाद ऑयल इस वाटर फेस को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। अब इस ऑयल को हम फर्दर ट्रीट करते हैं विद एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड अर्थ से, ताकि उसमें फर्दर कोई अगर इम्प्योरिटीज है वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद उसको कंटेनर में फिल कर लिया जाता है। तो ये जो ऑयल हमको ऑप्टेन होता है वो क्या कहलाता है, वो मेडिसिनल कैस्टर ऑयल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड मेथड होता है कैस्टर ऑयल को प्रिपरेशन का, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जैसे कि नाम है, इसमें हम सॉल्वेंट्स यूज करके हम उस सीड के अंदर जो ऑयल प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो क्या किया जाता है, सीड को क्लीन करते हैं, ड्राई किया जाता है या तो शेड में या तो हॉट एयर ओवन में उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद सीड के कोट को रिमूव कर दिया जाता है, सीड को कोट को सेपरेट करते हैं, सीड को फिर उसके क्रश किया जाता है रिक्वायर्ड साइज में, और उसके बाद इस क्रश्ड सीड को फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट, जैसे कि हेक्सेन, हेप्टेन या सॉल्वेंट ईथर यूज करके हम सीड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द कैस्टर ऑयल। और इसको हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर या अदर कोई कमर्शियल एक्सट्रैक्टर उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो एक्सट्रैक्टेड ऑयल है उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद इस एक्सट्रैक्टेड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइनिंग किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं, तो रिफाइनिंग हम करते हैं टू रिमूव द इम्प्योरिटी सच एज कोई कोलाइडल जो मैटर है या एक्सेस जो फ्री फैटी एसिड है उसको रिमूव करने के लिए, कलरिंग मैटर्स है या अनडिजायरेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि वो जो ऑयल है वो जो है उसको स्टोरेज के टाइम पे वो डिटोरिएट ना हो। तो उस कारण से ये जारे जितने भी इम्प्योरिटीज़ है या अदर सब्सटेंस है उसको रिमूव किया जाता है, मीन्स एक्सट्रैक्टेड ऑयल की रिफाइनिंग की जाती है। तो रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, उसको डीगमिंग किया जाता है। डीगमिंग मतलब कि उसमें जो अगर गम प्रेजेंट है तो उसको रिमूव किया जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करके। हॉट वाटर से क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे जो गम है वो डिसॉल्व हो जाता है, और उसके बाद वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है। और डीगमिंग के बाद न्यूट्रलाइजेशन, उसमें जो एक्सेस फ्री फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ एनियोमेच वगैरह ट्रीट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ब्लीचिंग किया जाता है, ब्लीचिंग से जो भी इसमें कलरिंग पिगमेंट्स है उसको रिमूव करते हैं, और डिओड्राइजेशन किया जाता है जिससे हमको जो ऑयल ऑप्टेन होता है वो क्या कहलाता है, वो रिफाइंड कैस्टर ऑयल कहलाता है। तो ये हो गया प्रिपरेशन मैथड ऑफ कैस्टर ऑयल। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कैस्टर ऑयल, मीन्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं, और इसकी स्टैंडर्ड लिमिट्स दी गई होगी है जिससे हम इस कैस्टर ऑयल, अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो उस कैस्टर ऑयल की उसकी प्यूरिटी, उसकी आइडेंटिटी को चेक किया जा सकता है। जैसे कि डेंसिटी कितना होता है उस कैस्टर ऑयल का, 0.945 से 0.965, विस्कोसिटी 6 to 8 पॉइस, एसिड वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसिटाइल वैल्यू नॉट लेस देन 143 से कम नहीं होना चाहिए, आयोडीन वैल्यू 82 से 90 के बीच में होता है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है स्टैंडर्ड लिमिट है वो 176 से 187, ऑप्टिकल रोटेशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करता है प्लस 3.5 डिग्री से प्लस 6 डिग्री, सॉलिडिफाइंग पॉइंट 0.8 - 10 टू -18 डिग्री सेल्सियस इसका सॉलिडिफाइंग पॉइंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4758 से 1.4798, हाइड्रोक्सिल वैल्यूज नॉट लेस देन 150। तो ये सभी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ कैस्टर ऑयल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। तो इस कैस्टर ऑयल को मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इससे पहले हमने आपको बताया, तो हमने यहाँ पे और भी डिटेल में यूजेस लिखे हैं इस कैस्टर ऑयल के। तो जैसा हमने आपको बताया था, इस कैस्टर ऑयल जो कैथोलिटिक होता है ड्यू टू द इरिटेंट एक्शन ऑफ रेजिनोलिक एसिड, फंगिस्टेटिक होता है मतलब कि फंगल ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है, फंगिसाइड्स अंडिसाइलिनिक एसिड, ये जो है इस कैस्टर ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है, फंगिसाइड्स मतलब कि जो फंगस को किल करने वाला। इसके बाद इसको यूज किया जाता है एज एन इमोलिएंट इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक, और ये डिफरेंट जो परफ्यूम हेयर ऑयल्स होते हैं और हेयर फिक्सर्स होते हैं उसमें वन ऑफ द इंग्रेडिएंट होता है ये कैस्टर ऑयल, और ये सल्फर रेसिनिक एसिड जो है इसको यूज किया जाता है, मींस डेरिवेटिव्स ऑफ इस रेसोनिलिक एसिड वो उसको यूज करते हैं इन द टूथ फॉर्मुलेशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बैक्टेरियासाइडल प्रॉपर्टी, और इस ऑयल को जो यूज किया जाता है इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लेक्सिबल कोलिडियन। उसके बाद नेक्स्ट पॉलीथॉक्सिलाइडेटेड कैस्टर ऑयल, इसको यूज किया जाता है एज अ वेहीकल फॉर द पेरेंटल प्रिपरेशन, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये जो है एनाफिलेक्टिक जो है रिएक्शन जो है शो कर सकता है। इसके बाद इसको यूज किया जाता है एबॉर्टिफिकेशन के लिए भी, मीन्स रेसिनोलिक एसिड्स को हम डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स और जेलीज बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। और जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो कैस्टर ऑयल है इसको कमर्शियली जो है इसको यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट्स, क्योंकि ये जो है लो टेम्परेचर में ये फ्रीज नहीं होता, इसी कारण से ही इसको ऐसा लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, और इसको डिफरेंट सोप्स के, वॉर्निशेस, पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी उसको यूज करते हैं।
तो ये हो गया डिफरेंट यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कोकाटे से, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बीरेन शाह एंड एके सेट से, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वॉल्यूम 2 वी डी रंगारी से। थैंक यू।